वेलकम टू द बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस इन क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एंड आवर टॉपिक इज परमुटेशन एंड कम्बिनेशन पार्ट टू। फॉर एग्जांपल इवैल्यूएट 4 × -3 सॉल्यूशन फर्स्ट इवैल्यूएट 4 × -3 दिस इंप्लाइज दैट 4 को आप लिखेंगे 4 × 3 -3। दिस इंप्लाइज दैट 3 हम कॉमा ले सकते हैं, क्या बचेगा 4 − 1। दिस इंप्लाइज दैट 3 × 3। 3 को लिखेंगे 3 × 2 × 1 × 3। 3 × 2 = 6, 6 × 1 = 6, 6 × 3 = 18। सेकेंड देखें 10 × 7 × 3। दिस इंप्लाइज दैट 10 लिख सकते हैं 10 × 9 × 8 × 7 अपॉन 7 × 3 × 2 × 1। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8। इंप्लाइज दैट डिनोमिनेटर में 1 आ रहा है, 4 × 3 = 12, 12 × 10 = 120। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इफ n+2 = 60, n − 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ n। क्वेश्चन नंबर टू सॉल्यूशन देखें, इफ n+2 × 60 × n − 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ n। इसको आप लिख सकते हैं n + 2 × n − 1। प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर होता है, तो एक एक लिस्ट करते जा रहे हैं, इक्वल टू 60 × n − 1। फैक्टोरियल कैंसल आउट हो जाएगा, n − 1 कैंसल आउट हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट यह बनेगा आपका n+2 × n + 1 × n, और 60 को लिख सकते हैं 5 × 4 × 3, 5 × 4 = 20, 23 = 60। तो देखें यहाँ कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू क्या आएगा, 3। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें, थर्ड का सॉल्यूशन देखें, एलसीएम ऑफ 5 × 6 × 7 लिखेंगे, एलसीएम ऑफ 5 × 6 × 5 × 7 × 6 × 5।
फाइव फैक्टोरियल को बाहर करें, एलसीएम ऑफ फाइव फैक्टोरियल कॉमन ले लें, फाइव फैक्टोरियल, और किसका एलसीएम आपको निकालना है, वन या क्या आएगा, वन सिक्स एंड 42, और इसका एलसीएम आप निकालेंगे तो क्या आएगा, 42, वन सिक्स एंड 42 का एलसीएम क्या होगा, 42। दिस इंप्लाइज दैट, लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल, और एलसीएम किसका निकाले हैं, 1, 6 एंड 42 का कितना है, 42। दिस इंप्लाइज दैट 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7। अब देखें 7, 6 5 फैक्टोरियल है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 7 फैक्टोरियल। एंड लास्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4, इवैल्यूएट, फोर्थ का सॉल्यूशन देखें, इवैल्यूएट n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, परमुटेशन का फॉर्मूला होता है n पी आर इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। n की जो वैल्यू होगी, r की जो वैल्यू होता है वह ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड लेस आर इक्वल टू n, एक कंडीशन होता है। क्वेश्चन में दे रहा है इफ n इक्वल टू 6 एंड r इक्वल टू 2, तो इसको इवैल्यूएट करना है, तो जहां n लिखा है क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इक्वल टू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 फैक्टोरियल। दिस इंप्लाइज दैट 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 6 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल सेम नंबर आ जाए तो क्या हो सकता है, कैंसल आउट होगा, कैंसल आउट हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 30। इस तरह से फैक्टोरियल नोटेशन से परमुटेशन के फार्मूला क्या है, एन पी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, वेयर जो r की वैल्यू होगी वह ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड लेस आर इक्वल टू 7। परमुटेशन के फार्मूले से हम नंबर ऑफ वे निकाल सकते हैं। थैंक यू।